हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। तो मेरा पिछला वीडियो जो था वो माइक के ऊपर था, तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर या जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए वो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो चेक करें। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सबसे महंगा प्रोडक्ट, जो मेरा अब तक का सबसे महंगा प्रोडक्ट है इस चैनल पर, वो है आज आईफोन 15। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले आईफोन 15 और उसके ही बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और उसका कंपैरिजन भी करेंगे कि आईफोन 15 और 15 प्रो में क्या अंतर है। तो यह है आईफोन 15 का बॉक्स, लेकिन इस पे कहीं पे भी लिखा नहीं है आपको आईफोन 15, बस आईफोन लिखा हुआ मिलेगा। ये है ब्लू कलर और इसमें आपको मिलता है फोन और मिलता है ये चार्जिंग केबल। इस बार थोड़ा डिफरेंट चार्जिंग केबल दिया इन्होंने, पिछले जो आईफोन थे उसके कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। बाकी आपको एक स्टिकर मिलता है, एक सिम इजेक्टर पिन मिलता है और कुछ यूज़र गाइड, तो इतना ही चीज़ आपको मिलने वाला है। अब आते हैं डिवाइस पे। तो डिवाइस पे यहाँ पे आपका लॉक बटन है, यहाँ पे आपके वॉल्यूम अप एंड की है, अपना अलर्ट स्लाइडर है, उसके साथ साथ यहाँ पे एंटीनास दिए गए हैं। नीचे आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, दो स्पीकर ग्रिल मिल जाते हैं और ऊपर भी एक स्पीकर है। और ये है, अब इसका नॉच ऐसे चेंज हो गया है। प्लस यहाँ पे आपको जो ऊपर डायनेमिक आइलैंड है वो अब मिल रहा है, पहले वो नहीं मिलता था। तो जैसे कि अभी इन्होंने जो वॉलपेपर यूज़ किया है वहाँ पे ये पूरा छिप जाता है, लेकिन कोई ऐप यूज़ करके देखते हैं डायनेमिक आइलैंड में कैसा दिखता है। Let's see. तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि हमने एक म्यूजिक ऐप चलाया है और ऊपर ये दिख रहा है, इसे आप टैप किया तो ये इस तरीके से डायनेमिक आइलैंड काम करता है। मैं म्यूजिक स्टॉप कर देता हूँ कॉपीराइट का, बट ऐसे कुछ डायनेमिक आइलैंड आपका काम करने वाला है। बाकी नोटिफिकेशंस के लिए भी, जैसे आप स्विगी से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा ऐप या कॉल पे बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपका डायनेमिक आइलैंड कवर करता है। तो ये हो गया हमारा। और पीछे आपको दो कैमरा मिल जाते हैं, ये इसका फ्लैश लाइट, यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे लोगो। बाकी इसकी जो फ्रेमिंग है वो एल्यूमिनियम फ्रेमिंग है और जो आईफोन 15 प्रो में है वही अब इसने उन्होंने टाइटेनियम दे दिया है और ये अलर्ट स्लाइडर निकाल के एक बटन दे दिया है। तो आईफोन 15 अभी भी लोग परचेस कर रहे हैं और इस पर काफ़ी सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स जितने भी आपके क्रोमा हो गया, विजय सेल्स हो गया, देन अपना रिलायंस डिजिटल हो गया, ये सारे स्टोर्स में आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएंगे, एक्सचेंज ऑफर मिल जाएंगे, उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिल रही है आपको एक्सचेंज के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो है कलर ऑप्शंस, तो आईफोन 15 और 15 प्रो का कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो 15 में आपको चार कलर ऑप्शन मिलते हैं, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक। एंड आईफोन 15 प्रो के अंदर आपको वाइट टाइटेनियम, ब्लैक टाइटेनियम, ब्लू एंड नेचुरल टाइटेनियम। तो ये जो वेरियंट है 15 और 15 प्रो में, सबसे बड़ा अंतर है कि उसमें एल्यूमिनियम है 15 में और 15 प्रो में आपको टाइटेनियम करके इन्होंने रिप्लेस कर दिया है, जो उसकी आउटर रिम होती है वो। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट है अपना डिस्प्ले। तो डिस्प्ले जो है दोनों के अंदर आपको ओलेड डिस्प्ले मिलने वाली है, पीक ब्राइटनेस दोनों में आपको 2000 निट्स की मिलने वाली है, यानी कि आउटडोर में भी आप इसे ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्क्रीन जो रिफ्रेश रेट है आईफोन 15 में वो मिलने वाला है 60 हर्ट्ज़ और 15 प्रो के अंदर आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज़। तो अगेन इस साल जो 15 वेरिएंट इन्होंने लॉन्च किया, सेम 14 और 14 प्रो की तरह 60 हर्ट्ज़ और 128 हर्ट्ज़ का डिफरेंस रखा ही है इन्होंने। इसके साथ साथ जो प्रोसेसर है आईफोन 15 में वो आपको मिलता है A16 और आईफोन 15 प्रो में आपको मिलता है A17 प्रो, जो थोड़ा बेटर है, जो बेटर परफॉर्मेंस देगा आपको। लेकिन अगेन वही है कि प्राइस मैटर करता है कि 15 का प्राइस और 15 प्रो के प्राइस में डिफरेंस है। इसके साथ साथ जो OS है वो आपको iOS 17 मिलने वाला है और 5 साल का OS अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट दोनों में मिलने वाला है। अब आते हैं हम इसके बॉडी में। तो जैसा मैंने बताया, जो आउटर रिम है इसकी एल्यूमिनियम है, प्लस इसमें गोरिल्ला ग्लास है,
पॉइंट फ्रंट बैक दोनों में गोरिल्ला ग्लास है। यूएसबी जो है वो अभी टाइप सी हो गई है, तो दोनों में आपको टाइप सी मिल रहा है। डिफरेंस है कि ये 2.0 है और जो 15 प्रो है उसमें 3.2 है। तो ये जो है आईफोन 15 और 15 प्रो दोनों आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट मिलता है। इसके साथ साथ स्टीरियो स्पीकर यानी कि ये जो फ्रंट स्पीकर है और जो नीचे का स्पीकर है दोनों आपके काम करते हैं, तो इसमें स्टीरियो स्पीकर मिलता है। नेक्स्ट है इसमें नेटवर्क, तो आपको इसमें दो सिम का ऑप्शन मिलता है, एक आपका फिजिकल सिम है एक आपका ई सिम है। ये ऑप्शन आपको दोनों में मिलते हैं, प्लस दोनों फ़ोन 5G सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं स्टोरेज के ऊपर, तो स्टोरेज जो स्टार्ट होती है आईफोन 15 की 128GB, 256GB, 512GB और 15 प्रो में ये जाता है 1TB तक, और जो 15 का रैम है वो 6GB और 15 प्रो का रैम है वो 8GB। नेक्स्ट है हमारा कैमरा, तो जो कैमरा है वो अब इसमें भी 48 मेगापिक्सल मिल रहा है आपको 15 के अंदर, तो दो कैमरा जो बैक कैमरा है वो 48 और 12 मेगापिक्सल के मिलने वाले हैं, फ्रंट कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल मिलने वाला है। यही अगर आप 15 प्रो में जाएंगे तो आपको तीन कैमरा मिलते हैं 48 + 12 + 12, तो ये डिफरेंस है। इसके साथ साथ आपको ऑप्टिकल जूम का लेंस मिल जाता है उसके अंदर 15 प्रो के अंदर, जिसमें आप 10x तक जूम कर सकते हैं, और जो वीडियो आप रिकॉर्ड करने वाले वो आपको 24 फ्रेम्स 25 30 और 4K रेजोल्यूशन में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्लस सिनेमैटिक मोड आपको दोनों में मिलता है, और जो इसका 15 प्रो के अंदर एक मोड एक्स्ट्रा मिलता है वो हाई रेज का मोड, तो वो आपको मिलने वाला है इसके अंदर। और दूसरा चीज़ है जो है वो बैटरी, जो इनका चार्जिंग है पहले 20 वॉट को सपोर्ट करता था, अब ये 27 वॉट को सपोर्ट करने वाला है। वायरलेस चार्जिंग अगेन 15 वॉट से ही चलने वाली है, तो 27 वॉट का चार्जिंग आपको दोनों में मिलेगा, 15 और 15 प्रो दोनों में मिलेगा। सेंसर्स आपको सारे मिलेंगे इसमें, तो मेरे ओपिनियन में कि अगर जितने भी एंड्रॉयड यूजर्स है वो अगर आईफोन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और स्विच करना चाहते हैं आईफोन में, तो अगर आपका बजट 73 के आसपास है तो वो आप एक्सचेंज ऑफर में आपको कम से कम डिपेंड अपॉन द डिवाइस वो उस हिसाब से प्राइस कम होके मिल सकता है, प्लस आपको 24 मंथ्स का नो कॉस्ट EMI मिल जाता है। जो भी स्टोर में आप जाएंगे, चाहे वो रिलायंस डिजिटल हो गया, क्रोमा हो गया, वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मेरे ओपिनियन में ये थोड़ा अपग्रेड किया इन्होंने इस बार 15 के अंदर, तो जितने भी लोग सोच रहे हैं कि 15 लेना चाहिए तो आप जाके ज़रूर से चेक करें स्टोर में इसकी कैमरा क्वालिटी, इसकी बाकी सारे फीचर्स, और मेरे ओपिनियन में आप ये फ़ोन ले सकते हैं। इसके कंपैरिजन में एंड्रॉयड में सैमसंग का आता है S-सीरीज़, जो उन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च की है, S-सीरीज़ का S24, तो वो भी इसके कंपैरिजन में थोड़ा इसको टक्कर देता है, बट फिलहाल उसका प्राइस ज़्यादा चल रहा है, वो 80,000 में मिल रहा है और ये आपको कम प्राइस में मिल रहा है, और जब सेल आती है तो ये और भी कम प्राइस में लगभग आपको 65,000 के आसपास भी आपको ये मिल जाता है। तो मेरे तरफ से ये प्रोडक्ट के लिए थम्स अप है, आप ये ज़रूर चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।